नमस्कार आप सभी का आज की मेरी इस नई वीडियो में, और इसमें मैं लाया हूं आप लोगों के सामने फिर से काइट कलेक्शन की वीडियो। तो इसमें इस बार मैंने मेकर के नाम बताए हैं कि काफ़ी लोगों ने कहा कि मेकर के आप नाम नहीं बताते हो, तो मैंने सोचा बता दूं। और ये सभी पतंगे जो हैं वो ज़्यादातर जो हैं मेरठ की हैं, और आप मेरठ के जो काइट्स इंडिया करके इंस्टाग्राम में मैंने डाला हुआ है, आप ऊपर से ले लेना उसके आईडी अकाउंट आप लोग चेक कर लेना। ये देखिए इंस्टाग्राम काइट्स इंडिया करके और मेरठ काइट करके, ठीक है। तो ये आसिफ अंसारी की पतंग है, इसमें ज़्यादातर पतंग जो होगी वो मेरठ की होगी जैसे मैंने बताया। तो आसिफ अंसारी की पतंग काफ़ी अच्छी है चाहे आप, और ये सब गोल फर्मे की है, तो गोल फर्मे की पतंग है, आपने छत से उड़ाने के लिए नहीं लेनी है। SSN इरफान काइट मेरठ, ये पतंग भी जो है थोड़ी हैवी पतंग है SSN की। जितना भी मेरे पास पतंगें आई हैं उसमें से थोड़ी हैवी पतंग है ये, फिर से आसिफ अंसारी की है। ये वाली जो पतंग थी ये पता नहीं क्या हो रहा था, इसमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही थी, घूम ज़्यादा रही थी। और ये वाली जो है ये SSN की है, इसमें से भी कुछ पतंगें थी जो मतलब उड़ी नहीं सही से SSN की, और कमांड ठड्डा तो बिल्कुल सही था, कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी फिर भी दिक्कत आई। नेक्स्ट पतंग है ये वाली रईस आफ्ताब की है, ये भी अच्छी पतंग है, हैवी पतंग है। और जितनी है ज़्यादातर गोल फर्मे की है, तो गोल फर्मे की पतंग क्या होगी आपके लॉन्ग रेंज के लिए होती है, मैं आपको पहले बता दूं। अगर आपने छत से उड़ाने के लिए लेनी है तो लंबा फर्मा लेना है, अगर पौना ही यूज़ करना है तो लंबा फर्मा सबसे सही रहता है छत के लिए। और गोल फर्मा क्या है, थोड़ा दूर जाके अच्छा लड़ता है, पास में तो बहुत घूमता है। तो ये भी रईस आफ्ताब की है, आप तो ज़्यादातर आप देख ही रहोगे इसमें सभी गोल फर्मे की हैं। और ये ऊपर से मैंने देखी फेसबुक मेरठ काइट करके और इंस्टाग्राम में काइट्स इंडिया करके आप इनसे ले सकते हो, इनका नाम फैज़ल है। फिर SSN मेरठ, SSN की काइट ज़्यादा हैं क्योंकि थोड़ी हैवी काइट चाहिए थी। और इसमें तो जो अली पतंग है अभी नेक्स्ट वाली, इसमें उर्दू में लिखा हुआ है तो मुझे आइडिया नहीं इस मेकर का नाम क्या है, पुरानी पतंग है। और मैंने इनसे 100 काइट मंगवाई थी, इन्होंने काफ़ी अलग अलग मेकर की पतंगें दी हैं, तो अगर किसी को लेना है इनका मिनिमम ये 50 पतंगे भी डिलीवर करते हैं, तो आप लोग इनसे ले सकते हो। अभी तक तो कोई भी शिकायत नहीं आई है। ये आसिफ अंसारी की है, तो इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आई है, तो अभी तक तो आप लोग एक बार ट्राई कर सकते हो, 50 मिनिमम काइट आप ले सकते हो इनसे। और ज़रूरी नहीं है कि आप गोल फर्मा ही लो, लंबा फर्मा भी ले सकते हो। तो ये नेक्स्ट पतंग है दीप कुमार की, और काफ़ी जो काइट लवर है वो तो जानते ही होंगे कितने बेहतरीन काम करते हैं, और बहुत अच्छी पतंग है, इशारों पे चलने वाली पतंग है, काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट है इस पतंग का। और काफ़ी लोग कह रहे थे जो कमांड ठड्डे के बारे में पूछ रहे थे कि वो सख्त रहना चाहिए, ठीक है उससे हैवी उड़ती, तो ऐसा नहीं है, इनकी पतंग का जो ठड्डा है वो लचकीला है फिर भी बहुत बेहतरीन काम करता है खींच पे। तो SSN मेरठ, ये वाली पतंग थोड़ी दिक्कत दे रही थी मुझे, मुझे नहीं पता शायद पास के पेज के लिए ये बिल्कुल नहीं है, बहुत हैवी पतंग है तो ये लॉन्ग रेंज के लिए, तो ये वाली तो शायद KGF की काइट है, और ये थोड़ी हल्की पतंग होती है KGF की, मतलब हल्की मतलब कहने के लिए पास रेंज के लिए भी हैं, मतलब आप लोग लड़ा सकते हो इससे। तो ये वाली तो फिर से SSN की है, सॉरी KGF की है ये वाली भी। और यह है जगदीश एंड अजीत की, ये मैंने अभी तक ट्राई नहीं किया तो इसका बारे में तो मैं ज़्यादा बता नहीं पाऊँगा, पर पतंग और वैसे भी सभी पतंगों का कमांड ठड्डा बिल्कुल सही लगा हुआ है, बिल्कुल बैलेंस में, तो ज़्यादा आइडिया हो नहीं पा रहा है। तो मुझे लगता है कि वही दिक्कत होगी कि पास ये लॉन्ग रेंज की पतंग है, GK काइट, इनकी भी काफ़ी अच्छी है पतंग।
ठीक है। और जो ये दिक्कत दे रही है ना घूमने वाली, मुझे लगता है कि ये लॉन्ग रेंज में ही ज़्यादा अच्छी लड़ेगी, पास में दिक्कत देगी देगी, मैदान के लिए सही पतंग है।